नमस्कार, एनएन न्यूज द्वारका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार चुनावी रैलियों की कवरेज कर रहे हैं, हमने प्रत्याशियों से बातचीत करी, उनके वो किस मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता निभाती है। जो जनता उन्हें वोट देती है और उन्हें ऊपर तक पहुँचाती है, उनसे भी हमें बहुत जानना जरूरी था कि वो किन मुद्दों को देखते हुए अपना वोट देंगे। तो आइए हम ऑटो ड्राइवर्स के बीच में पहुंचे हैं और उनसे जाने किन मुद्दों को देखते हुए वोट देने वाले हैं। ऑटो ड्राइवर का ये है कि जो रिक्शा गलियों के लिए चली थी वो मेन रोड पे दौड़ रही है, और हम ऑटो वाले का काम बिल्कुल ही ख़त्म है, काम नहीं है। गैस के रेट इतनी महंगाई हो रही है, बसें फ्री कर रखा है, हमारे गाड़ी में कोई बैठ के राजी नहीं है। तो देखिए, तो जो पार्टी जो है सबको संयम होगा वो उसी में हम भी है, लेकिन हम लोगों का काम तो ख़त्म कर दिया ना इन्होंने, बसों को फ्री करके। इसमें मान लो कि 90% लेडी सफ़र करती थी, आज के टाइम पे लेडी इसमें बैठ करके राजी नहीं है। अच्छा, तो मैं भी सबका संयम होगा उसी का हम साथ हैं, हम बाबू है। अच्छा, ये चुनाव आने वाले, एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसको लेकर आपका क्या मुद्दा रहने वाला इस बार? मुद्दा क्या रहने वाला, जो अच्छा लगेगा उसको करेंगे। अच्छा, तो देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई थी वो बड़े बड़े वादे करे थे क्योंकि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। बेरोजगारी तो है ही है इस टाइम, क्योंकि हम लोगों का काम धाम है वो तो सब, जितनी प्राइवेट गाड़ियां हैं वो सवारी उठा ले जाती है हमारी, एयरपोर्ट पे ड्राइव करने जाते हैं, वो VIP गाड़ी होती उसमें भी 50 रुपये सवारी, 20 रुपये सवारी बैठा के ले जाते, वो सवारी हमें कहाँ से पैसे देगी, ऑटो में क्यों जाएगी जब कार में जा रही है, इसी कार में 20 रुपये 50 रुपये में तो हमें क्यों देगी सवारी। जगह जगह और बुकिंग करके जाते हैं सवारियाँ, जो मैन सवारी होती है वो सब 50 रुपये सवारी में जाती है। आने वाले और परेशानियाँ, और आने वाले इलेक्शन में किन मुद्दों को देखते हो, मतलब है कि साफ सफाई को देखते हुए कि कैसे आपने मतलब चुनाव में उन्हें वोट देंगे? जो हमें अच्छा लगेगा हम उसी को वोट करेंगे। मोहन। अच्छा, यहाँ आप ऑटो ड्राइवर हैं? हाँ जी। तो आप इस इलेक्शन में किस मुद्दे को लेकर वोट देने वाले हैं? मुद्दे को वोट तो दें, जब एक तो हमारे लिए जो बसें फ्री करी हैं लेडीज के लिए ये ख़त्म होना चाहिए, और ये रिक्शे मेन रोड पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मेन रोड के लिए नहीं, वो लिमिट के रिक्शे होना चाहिए। यानी कि ना तो सवारी हमें मिलती, अभी तक सुबह से बैठे हैं, बोनी नहीं भी ना हुई, और बाइक वालों को कैब में चलाना चाहिए, उसके लिए सिंगल सवारी, ना इंश्योरेंस ना सब चीज़, कुछ भी एक्सीडेंट होते तो कौन भरेगा इसका, सरकार जिम्मेदार होगी ना। और बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो ये इसीलिए तो बेरोजगारी हो रही है कि दुनिया भर के रिक्शे निकाल दिए और काम खत्म कर दिए, तो बेरोजगारी तो फैलेगी। ये दिल्ली सरकार जो आई है वो भी जनता ने ही वहाँ तक खुश आई है, तो उसको क्या कहना? तो चुन चुन के केजरीवाल जी को बनाया था और आज भी बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये गलती तो कर रहे हैं कि दुनिया भर के रिक्शे क्यों निकाल दिए, और रोड पे निकालने के लिए नहीं थे, गली से बाहर सवारी के लिए थे, ये बाहर रोड पे चल रहे, कभी ना कभी कहीं एक्सीडेंट करवाते हैं, बीच रोड पे मेन रोड पे ही चलने के लिए दिए थे, ये मेन रोड पे चलने के लिए नहीं थे। तो आने वाले चुनाव में आप किसे चुनेंगे? अगर ऐसा रहा तो हम किसी को भी नहीं देंगे, ना हमारे लिए कोई नहीं, सीधी बात है, नहीं तो सही है, हिसाब से पब्लिक के लिए सेवा करो जो पब्लिक खुश रहे, ये तो बेरोजगारी फैलाते जा रहे हैं। तो सुना आपने, हमने आम जनता से भी जानने की कोशिश की कि वो किन मुद्दों को देखते हुए अपने चुनाव को उनको वोट देंगे कि मतलब उनकी सुख सुविधा उन्हें मिलती रहे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं शिखा, नमस्कार।